कर्नाटक में 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात एक तरह से मजाक बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में क्लास 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के लिए आने वाले बोर्ड इम्तहानात को मुअत्तर करने के लिए मुदाखलत की है। यह हुक्म रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के जवाब में आया है, जिसे तालीम के हक़ के क़ानून की दफ़ा 30 के खिलाफ फर्जी समझा जाता है। ये तनाज़ा 7 मार्च को उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटक हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने इब्तदाई तौर पर इन क्लासों के लिए बोर्ड के इम्तहानात मुनअक़द करने के रियासती हुकूमत के मंसूबे को हरी झंडी दिखाई थी। ताहम इस तरह के इम्तहानात की क़ानूनी हैसियत पर तशवीश तेज़ी से उभरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जायज़ा लेते हुए पाया कि इन इम्तहानात का नोटिफिकेशन बुनियादी तौर पर हक तालीम क़ानून यानी राइट टू एजुकेशन की दफ़ा 30 की खिलाफ वर्जी करता है। ये सेक्शन इस बात को यकीनी बनाता है कि इब्तदाई तालीम की तकमील तक किसी भी बच्चे को किसी किस्म के इम्तहान का निशाना नहीं बनाया जा सकता और ना ही इन्हीं दबाव में लाकर इम्तहानात दिलवाना होता है। इस सिलसिले में कर्नाटक के प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तंजीम की तरफ से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जहाँ पर पहले इन इम्तहानात को मनसूख करने के अहकाम जारी किए गए थे, फिर डिवीज़न बेंच ने इन इम्तहानात को जारी रखने का हुक्म सुनाया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात को मनसूख करने के अहकाम जारी किए हैं। हालांकि कर्नाटक में इस वक्त इम्तहानात चल रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह का हुक्म तलबा और असातिज़ा के लिए सरदर्द बन चुका है। देखना यह है कि एक रियासती हुकूमत इस सिलसिले में क्या फैसला लेती है कि क्या इन इम्तहानात को मुअत्तल किया जाता है या जिस तरह से जारी रखा गया है उसी तर्ज पर इम्तहानात को चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।